विश्वनाथ प्रताप सिंह आजाद भारत के 8वें प्रधानमंत्री थे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके थे। उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे कठिन लड़ाई लड़ी, रक्षा सौदों में दलाली के खिलाफ सत्ता से विद्रोह किया। उनका शासन एक साल से कम चला, 2 दिसंबर 1989 से लेकर 10 नवंबर 1990 तक प्रधानमंत्री पद पर रहे। बोफोर्स घोटाले के संबंध में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के साथ समस्याओं के चलते उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया था। विश्वनाथ प्रताप सिंह का जन्म 25 जून 1931 को इलाहाबाद में हुआ था। इन्होंने अपनी शिक्षा इलाहाबाद और पुणे में पूरे करने के बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य बने। साल 1971 में विश्वनाथ प्रताप सिंह लोकसभा के लिए चुने गए थे और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा उपमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए थे। विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री राजीव गांधी के सरकार में साल 1984 में फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में कार्य किए। फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में विश्वनाथ प्रताप सिंह वित्त मंत्रालय के प्रवर्तन निदेशालय को कर चोरी करने के लिए कठोर कार्रवाई करने का आदेश दिया। जब उच्च प्रोफाइल वाले लोगों को मुख्य रूप से धीरूभाई अंबानी जैसे उद्योगपतियों पर छापे पड़े तो उन्हें राजीव गांधी ने उनके पद से बर्खास्त कर दिया और रक्षा मंत्रालय का पद दे दिया था। राजीव गांधी ने विश्वनाथ प्रताप सिंह को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया गया, जिससे उन्होंने कांग्रेस पार्टी और लोकसभा से इस्तीफा दे दिया। कहा जाता है कि साल 1989 के चुनाव में देश में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आया था और इस चुनाव में उन्होंने प्रधानमंत्री बनकर दलितों और छोटे वर्ग के लोगों की सहायता की है। विश्वनाथ प्रताप सिंह एक निडर राजनेता थे। दूसरे प्रधानमंत्रियों की तरह वो कोई भी निर्णय लेने से पहले डरते नहीं थे, बल्कि वो निडरता से कोई भी निर्णय लेते थे। और ऐसा ही उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी के खिलाफ गिरफ्तारी का आदेश देकर किया था। प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए उन्होंने देश में बढ़ रहे भ्रष्टाचार का विरोध किया था। विश्वनाथ प्रताप सिंह काफी समय तक बहुत से बीमारियों से घिरने के बाद दिल्ली में अपोलो हॉस्पिटल में 27 नवंबर 2008 को उनकी मृत्यु हो गई। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफी पसंद आएगा। थैंक्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।